सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आज है भाई अपने सामने टाटा की टिगोर कंप्लीट सेडान जिसे कहते हैं ना भाई, एक कूपे वाला डिज़ाइन। वो टाटा आपको इतने कम बजट में प्रोवाइड करके देती है कि मेरे हिसाब से शायद ही और कोई कार है जो देती हो, प्लस उसके ऊपर सेफ्टी भी देती हो। ठीक है, तो भाई आज बात करने वाले हैं टाटा के टिगोर के XM वेरिएंट के सामने 2023 का ये लेटेस्ट वेरिएंट है। इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, प्राइसिंग वगैरह क्या होने वाली है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहना है वीडियो के साथ और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए अगर आप लोग आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब भाई स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट से अगर बात करें, टाटा का लोगो मिल जाता है, क्रोम फिनिश अगर आपको पूरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। हेडलैम्प सेटअप की अगर बात करें तो सिंगल रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपका हेडलैम्प की यूनिट देखने के लिए मिलती है, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडिकेटर्स वगैरह। ठीक है, फॉग लैंप्स वगैरह बेस मॉडल ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, टॉप मॉडल्स में जैसे जाते हैं तो फॉग लैंप्स DRLs वगैरह का ऑप्शन भी आपको उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, वाइट फ्रंट से हो गया लुक कंप्लीट। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल जो है आपका टाटा टिगोर XM वेरियंट को देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, टायर साइज की अगर बात करें तो यहाँ पर टायर साइज आपको मिल जाते हैं आई थिंक 14 इंचेस के ही होने चाहिए जितना मेरा ख्याल है। हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं R14 इंचेस के टायर साइज विद फुल व्हील कैप। इससे नीचे वाले वेरिएंट जो आएगा XC वगैरह उसमें व्हील कैप भी नहीं आता। टोटल इसमें 4 वेरिएंट्स आते हैं, XC, XM, XZ और XZ प्लस। इसमें CNG के ऑप्शंस भी आते हैं जो कि आपके चारों ही वेरिएंट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रंट साइड से अगर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसी प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर बात करें यहाँ पे ORVMs की तो यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिलेगी। इससे ऊपर वाला जब वेरिएंट लेंगे XZ में तब आपको पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल यहीं पे इंडिकेटर्स वगैरह जो भी हैं वो भी आपके यहीं पे देखने के लिए मिलेंगे फेंडर्स वगैरह पे। तो ये चीज़ आपको बाहर से ही दर्शा देती है कि ये एक बेस मॉडल आपका होने वाला है। बाकी अगर यहाँ पे डोर हैंडल्स की बात करें तो ये भी आपका जो है ब्लैक कलर में ही, वो जो मैट फिनिश होती है ना वही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप आफ्टर मार्केट या फिर एज ए एक्सेसरीज क्या जहाँ से आप लोगे ना, जिस डीलरशिप से आप लेते हो तो वहाँ से भी आप ये सारे जो है ना आपके बॉडी कलर करवा सकते हो जितना मुझे लगता है। ठीक है, चारों यहाँ पे जो आपके डोर हैंडल्स हैं वो ब्लैक कलर के आपके देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, आप अगर चलते हैं भाई पीछे की प्रोफाइल में, पीछे वैसे स्पेस थोड़ा सा कम है फिर भी मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको भाई पीछे कुछ इस तरीके का प्रोफाइल वगैरह बैक प्रोफाइल देखने को मिलता है जो कि एक कूपे वाला डिज़ाइन होता है ना, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए ओवरऑल मिलने वाला है। टिगोर की बैजिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पे टाटा का लोगो है। यहाँ पे कैमरा टॉप मॉडल में XZ वगैरह में आई थिंक देखने के लिए मिलेगा, बेस मॉडल है तो वहाँ तो आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला। पीछे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, नीचे रिफ्लेक्टर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे क्रोम स्ट्राइप वगैरह दी हुई है जो थोड़ा सा आपके बैक प्रोफाइल को इन्हांस कर देती है। बाकी ब्लैक कलर के आपके जो बम्पर्स वगैरह है वो चीज़ें यहाँ पे आपके देखने के लिए मिलने वाली है। लाइट जो है ना ये विदाउट जो एक रेड वो कैप मतलब कवर होता है ना, इसका मतलब कवर क्या जो ग्लास होता है जो रेड कलर का वो हटा के यहाँ पे वाइट कर दिया गया है कम्प्लीट। तो थोड़ा सा यूनिकनेस आपको ज़रूर पीछे से देखने के लिए मिलेगी। फ्यूल टैंक लिड आपको बाहर से नहीं अंदर से ही खोलनी पड़ेगी। 37 लीटर्स का आई थिंक फ्यूल टैंक इसमें आएगा। अगर कुछ करेक्शन होगा तो आपके डिस्प्ले में मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ें सारी हो गई। ऊपर अगर भाई हाइमाउंट स्टॉप लैंप की बात करें कंप्लीट भाई यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी बड़ी सी आपकी हाइमाउंट स्टॉप लैंप देखने के लिए मिलती है जो कि ऐसा लगता है कि आफ्टर मार्केट करवाई गई, बट आफ्टर मार्केट नहीं, ये कंपनी से आपको देखने के लिए मिलती है। ऊपर आपको एंटीना वगैरह देखने को मिल जाता है, अल्ट्रॉज में आगे मिलता है, टिगोर में पीछे मिलता है, टियागो वगैरह में भी आई थिंक आपको आगे शायद एंटीना देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पीछे से कंप्लीट लुक हो गया। अब इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो अगर ओपन करने की कोशिश आप करेंगे तो यहाँ से ओपन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बटन्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे, की से आपको ओपन करना पड़ेगा। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। भाई कुछ इस तरीके से इसका टेल गेट आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे यार देखो, मैं कोई भी ब्रांड हो, स्पेशली टाटा ही नहीं है, कोई भी ब्रांड हो, ये चीज़ें दिखती है ना तार वार से, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कुछ भी हो तो उसको कवर अगर हो जाता है तो बहुत सही लगता है, एक प्रीमियमनेस झलकती है ब्रांड में। तो वो चीज़ें मेरे हिसाब से ध्यान देनी चाहिए। तो कोई भी अगर कोई भी ब्रांड हो, मैं स्पेशली टाटा को नहीं कह रहा, कोई भी ब्रांड हो तो ये चीज़ें कवर करके भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे वही बूट स्पेस आपको वही 350 या 45 लीटर्स के अराउंड मिलता है। कुछ करेक्शन होगा मेंशन हो जाएगा। बाकी कोई लाइट्स वगैरह जो है ना वो यहाँ पे नहीं मिलती। बाकी यहाँ पे हो सकती थी और होगी तो टॉप मॉडल में होगी, अदरवाइज इस वेरिएंट में आपको कोई भी लाइट्स नहीं मिलेंगी। बाकी इसको आप जब उठाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील और आपका टूल किट्स वगैरह के ऑप्शन सारे यहाँ पे आपके अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी बात पीछे से हो गई। अभी करते हैं इसको क्लोज और चलते हैं कार के ड्राइवर साइड डोर की तरफ। वहाँ आपको कैसे का डोर मिलता है, क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो बता दें। सबसे पहले खोलने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से मैनुअली आपको मिल जाता है सैटर्न लॉकिंग, इसमें मैनुअली आपको मिलती है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिमोट लगवाना है। ठीक है,
और वाइट डोर की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का डोर आपको देखने को मिलता है, कंप्लीट लाइट एंड डार्क ग्रे कलर से कह सकते हो आप। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डार्क मिलता है, यहाँ पे थोड़ा लाइट मिलेगा। यहाँ पे सारा हार्ड प्लास्टिक है, चारों ओर पावर विंडो मिलती है, ऑटो डाउन ऑटो आपका कोई फंक्शन मेरे हिसाब से नहीं मिलता है। यहाँ पे मिल जाते हैं आपके विंडो लॉक के बटन्स, दो लीवर्स, ठीक है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, नीचे स्पीकर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। ये आपके हैं आपके ORVM एडजस्टमेंट, जो कि आप मैनुअली आप इसे कर सकते हो, फोल्ड अनफोल्ड भी आप अपना हाथ से ही करना पड़ेगा, इसमें और भी कोई ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। बाकी फिलहाल यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है आपको फैब्रिक फिनिश, ट्राई एरो शेप का डिज़ाइन, और यहाँ पर मिल जाता है एडजस्टेबल हेडरेस जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सही होते हैं। सीट बेल्ट वगैरह हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, रिक्लाइन एंगल सिर्फ एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक। फिलहाल इसको करते हैं पीछे और ये लास्ट अपनी पोजिशन पर है। और डैशबोर्ड की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का भाई काफ़ी बड़ा सा डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है टिगोर XM 2023 वाले वेरियंट का। और बैठते भाई अंदर इसके, और जो सीट की हाइट है ना, मेरे हिसाब से आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, इतनी अच्छी इसकी ऑलरेडी पहले से हाइट दी हुई है, ये आपको भाई हाइट की इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। मैं भी बैठा हुआ हूँ, मैं फुल आइडिया आपको दे सकता हूँ कि इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, अगर आप ज़्यादा आपकी हाइट आपको नीचे कर रहा है तो आप ऑफकोर्स ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से तो लगती नहीं है। फिलहाल ऑन करते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर थोड़ी आपको बैकग्राउंड में हवा की नॉइसेस आ रही हो तो प्लीज़ माइंड ना करें, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो उसको मैंने थोड़ा सा जो इसका ब्लोअर है वो ऑन कर रखा है। बाकी यहाँ पे मिल जाता है आपका फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसे आप दो स्टॉक से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से टाइम वगैरह देखना, सेट वगैरह करना, सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। और सेकंड वाली नॉब से यहाँ पे आपका एक सेकंड को, हाँ, यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी वगैरह और फ्यूल कंजप्शन वगैरह, ऑडोमीटर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपका दिखाता रहेगा। डिजिटल स्पीड यहाँ पे दिखा देगा, RPM मीटर आपका इस साइड में 1000 से लेके 8000 तक RPM मीटर आपका देखने के लिए मिल जाता है। और जो टेम्परेचर वगैरह इंजन का वो आपका यहाँ शो होता रहेगा, फ्यूल लेवल जो है वो इस साइड में आपका शो होता रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बात करें हेडलैम्प सेटअप की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे हेडलैम्प्स ऑन ऑफ करने के लिए बटन्स, लीवर्स, और यहाँ पे मिल जाते हैं वाइपर्स के लिए सारे आपके कंट्रोल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है थोड़ी सी AC वेंट के सराउंडिंग्स में, और यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ पूरी सराउंडिंग्स वगैरह देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले, ठीक है। की होल नीचे मिलता है, एल्यूमिनेटेड की रिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बाकी स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें, डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, बीच में आपको पियानो फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको उसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी ये हो गई बात यहाँ की। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हारमन का म्यूजिक सिस्टम, जिसमें आपको स्पीकर्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, 4 स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे इसमें, ब्लूटूथ FM AM वगैरह के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपका सेमी टच जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, आपका जो यहाँ पे म्यूट वगैरह करने के बटन्स वगैरह दिए हुए, यहाँ पे माइनस प्लस करने के सारे बटन्स वगैरह दिए हुए, सारे टच कंट्रोल्स हैं, सेमी टच जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी डायरेक्ट यहाँ पे जाना तो होम पे डायरेक्ट आप जा सकते हो। बाकी सारे कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं, यहाँ से जो बटन्स वगैरह शॉर्टकट वो सारे हटा दिए गए हैं। नीचे मैनुअल AC वेंट्स, AC कंट्रोल्स आपके देखने के लिए मिलता है, मैनुअल AC आता है इसमें। यहाँ पे दो ही सेटिंग्स, मतलब यहाँ पे आपको सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। नीचे मिल जाता है 12 का पावर सॉकेट, और यहाँ पे आपको मिल जाता है USB पोर्ट और ऑक्स के ऑप्शन भी देखने के लिए मिलते हैं, बट ऑक्स अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे मिल जाता है 5 स्पीड का मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, इसमें ऑटोमेटिक के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि आप अपना चाहें तो वैसे आप अपना ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल परचेस कर सकते हैं। वैनिटी की बात करें ड्राइवर साइड में, तो यहाँ पे आपको मिरर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है डे नाइट रियर व्यू मैनुअली मिरर। या पैसेंजर साइड वैनिटी की बात करें तो कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ना ही यहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह मिलती है, ना ही। और माइक की बात करें तो माइक यहाँ नहीं, यहाँ आपका दिया हुआ है, जिसकी प्लेसमेंट ड्राइवर के हिसाब से बहुत सही है। यहाँ पे बीच में आपको एक LED रीडिंग लैम्प जरूर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। ये हो गया आपका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सेम जैसे अल्ट्रोज वगैरह, टियागो वगैरह के डैशबोर्ड होते हैं, वैसे ही आपको डैशबोर्ड इसमें भी काफ़ी अच्छे खासा साइज़ में डैशबोर्ड देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ की सारी बात हो गई, आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो डिसेंट स्पेस आपको ग्लव बॉक्स में भी देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे नॉन कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा, कूल्ड के भी ऑप्शन आपको टॉप मॉडल्स में देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे हाइट में एडजस्टेड है ये, और अब चलते हैं पीछे, वहाँ देखते हैं कैसे कैसे ऑप्शंस वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं।
बाकी भाई अगर डोर की बात करें तो कुछ इस तरीके का डोर वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है सारे सारा वही प्लास्टिक फिनिश देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे टूटर के लिए ऑप्शंस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है लीवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पावर विंडो कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे बॉटल होल्डर है, नीचे स्पीकर्स वगैरह के लिए स्पेस वगैरह स्पीकर्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो पीछे का स्पेस है ना भाई, वो बहुत सही मिलता है। स्पेस की बात करोगे तो बहुत सारे स्पेस वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल मेरे हिसाब से एडजस्टेड सीट अभी, और यहाँ पे अगर बात करें तो फिक्स्ड हेडरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं विथ सीट बेल्ट। अब तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट के भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, तो बाकी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। बीच में थर्ड पैसेंजर है, उसके लिए छोटा सा हेडरेस्ट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। अभी चलते हैं कार के अंदर और बात करते हैं आगे। भाई कार के अंदर बैठने के बाद स्पेस की बात करें तो नो डाउट पीछे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। पीछे आपकी जो भी हाइट हो आपके लिए पीछे स्पेस की कमी नहीं रहेगी। अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे इसका थोड़ा बहुत ठीक लगा, कमी नहीं है, आप लॉन्ग जर्नीज आपकी इजीली कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बात करें डैशबोर्ड के, पीछे से कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलने वाला है टाटा टिगोर XM वेरिएंट का, ठीक है। पीछे से यहाँ से लाइट्स वगैरह मिलती है, ग्रैब हैंडल आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं तीनों के तीनों। बाकी कोटुक वगैरह नहीं मिलेगा, ना इसमें मिलेगा ना उसमें, कोटुक का ऑप्शन कोई भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता, ना ही कोई पीछे AC वेंट्स वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये हो चुकी है आपकी टाटा XM कंप्लीट। अभी चलते हैं, अगर सेफ्टी की बात करें तो दो एयरबैग्स ABS EBD जैसे जितने भी एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड तौर पर मिलने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं बाहर। भाई फिलहाल बात करते हैं इंजन वगैरह की, इंजन वगैरह इसमें आपको क्या क्या कैसे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। भाई फिलहाल अगर बोनट की बात करें तो यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। इंजन की बात करें 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 85 BHP और 113 NM का टॉर्क। एवरेज आपको अच्छी खासी 20 बाइस की भी निकाल के दे देगा अगर आपको चलाने वाले ठीक हो। शॉर्ट पैडल के साथ अगर आप लोग ड्राइव करते हो सेम आपको एवरेज वगैरह ये चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। CNG में भी ऑप्शन मिलता है, सिर्फ पेट्रोल में आता है, डीजल में कोई भी ऑप्शन वगैरह इंजन में अवेलेबल टिगोर में नहीं है। तो ये होगी सारी सारी बात आपकी, इंजन की प्राइसिंग वगैरह जो भी होगी आपके डिस्प्ले पे मेंशन हो जाएगी, और आई होप पूरी वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। और अगर यहाँ तक अगर आप लोग आ चुके हो तो कमेंट करके ज़रूर जाना, वीडियो लाइक करके जाना। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और बहुत जल्द मिलेगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।